concept is hidden goodwill. The value of goodwill is not given in the question. We have to find out. The question is, Anil and Sunil are partners in a firm with a fixed capital of rupees 3,20,000 and 2,40,000 respectively. They admitted Charu as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm on 1st April 2012. Charu brought 3,20,000 as her share of the capital. Calculate value of a goodwill and record the necessary journal entries. Hence, working notes. Old ratio of Anil is to Sunil. यहाँ पे दे नहीं रखा है रेशियो तो हमें इक्वल नहीं ले इक्वल ले लेते हैं क्योंकि पार्टनरशिप रूल के हिसाब से जिस क्वेश्चन में रेशियो नहीं है इट विल बी इक्वल. और अभी न्यू रेशियो निकालेंगे. चारू इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. चारू 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो गई. तो लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फार्म बी 1. और हमेशा पार्टनरशिप का टोटल प्रॉफिट को 1 लेते हैं. उससे चारू 1/4 ले लिया तो बाकी अनिल सुनील के लिए कितने बचेगा. तो राइट डाउन रिमेनिंग शेयर ऑफ अनिल एंड सुनील आफ्टर चारू एडमिशन. 1-1/4 is equal to 4-1/4 is equal to 3/4. Now, Anil's new share, 3/4 का half is equal to 3/8. क्योंकि ये जो 1 से 1/4 चला गया, numerator में 4-1/4 whole divided by 4 आएगा 3/4. तो ये 1 से 1/4 चारू ले गई तो बचेगा 3/4. 3/4 को Anil सुनील half half करके बांट लेंगे. 3/4 दिन हाफ अनिल का आएगा 3/8. सुनील का भी उतना आएगा. चारू का 1/4 का 2/2 में मल्टीप्लाई के डिनोमिनेटर 8 बना लेंगे ताकि रेशियो बन जाए. तीनों का रेशियो निकालने के लिए तीनों का डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए. इक्वलाइज करना पड़ेगा. अब हम 2/2 मल्टीप्लाई करके 1/4 का चारू का हम बना देंगे 2/8. अभी क्या होगा न्यू रेशियो ऑफ अनिल सुनील चारू 3:3:2 आ गया. अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. So, Anil sacrifice 1/2 minus 3/8. LCM होगा 8. तो 4 numerator में आएगा 4 × 1 = 4 minus 3 is equal to 1/8. Sunil का एकदम सेम calculation 1/8. Therefore, sacrificing ratio of Anil is to Sunil equal to 1:1. तो हमारा sacrificing ratio आ गया. इसमें हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे. चाहे चारू पैसा नहीं लेकर आई फिर भी प्रीमियम नहीं ला पाई बट कैपिटल शी हैज कंट्रीब्यूटेड. तो उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे. हम करेंगे चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अनिल सुनील्स कैपिटल अकाउंट्स और वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल का शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. बट गुडविल दे नहीं रखा है. अभी गुडविल वैल्यूएशन करो हिड इन गुडविल. तो एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ द फार्म अकॉर्डिंग टू चारूस कैपिटल. चारू रुपीज 3,20,000 कंट्रीब्यूट कर रही है 1/4 कैपिटल के लिए. तो कंपनी का कैपिटल टोटल फार्म का न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए तीनों का अनिल सुनील और चारू. तो इसको रिवर्स शेयर में मल्टीप्लाई करने से चारू का आ जाएगा 12,80,000. ये कैपिटल होना चाहिए. तो अनिल सुनील का कैपिटल दे रखा है चारू लेकर आ रही है. तो 3,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3,20,000 तीनों का कैपिटल है एक्चुअल कैपिटल. वो 8,80,000 माइनस कर दो. गुडविल ऑफ द फार्म आ गया 4,00,000. दिस इज गुडविल ऑफ द फार्म. ये हो गया वैल्यूएशन. इसमें चारू का 1/4 शेयर है और चारू शेयर ऑफ गुडविल 4,00,000 का 1/4 1,00,000. ये 1,00,000 को अनिल सुनील देंगे इक्वल रेशियो में 50-50,000 शेयर में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना तो उनको मिल जाएगा. दैट इज ये 1,00,000 आया इसी को हम अनिल और सुनील को 1:1 में दे देंगे 1,00,000 को 50-50,000 करके. और लिखेंगे चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अनिल्स कैपिटल टू सुनील्स कैपिटल 1,50,000 50,000. क्योंकि इसमें हमारा फेयर नोट बनाओ और फेयर नोट में आप क्या करो उसमें फॉर्मेट बना दो जर्नल का और डेट 2012 इज द ईयर एंड डेट इज अप्रैल 1. तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू चारूस कैपिटल अकाउंट 3,20,000 debit and credit columns being capital received in cash from the new partner Charu. But question में clearly लिखा है कि वो कहीं पे goodwill के लिए goodwill premium के लिए cash pay नहीं कर रहा है.
तो इसीलिए चारूस कैपिटल सेम डेट में चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, तो अनिल्स करेंट अकाउंट, चारूस करेंट अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, तो अनिल्स करेंट अकाउंट, तो सुनिल्स करेंट अकाउंट 1,50,000, 50,000, बिंग प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड फ्रॉम न्यू पार्टनर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रिसीव, और टोटल इसका बन जाएगा जनरल का 4,20,000। यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें हमने करेंट अकाउंट को क्यों सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन में लिखा है फिक्स्ड कैपिटल्स। देखो, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन ए फार्म विद फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ ₹3,20,000। ये फिक्स्ड को गोला बना लो, इसके ऊपर राउंड कर लो, ताकि ये आपको एग्जामिनेशन के दिनों में एग्जाम गैप में हेल्प करेगा, यही चीजें ध्यान से पढ़ लेना। फिक्स्ड, तो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।